नहीं, इनके इरादे कुछ अलग है। ये गेंद एक बार फिर डिपॉजिट की है स्टैंड्स में। जीत हमारी जरूरी है क्योंकि हम रा अलग हुए पड़े हैं। इन्होंने वैसे किया था हमको, हम होना नहीं चाह रहे थे, फिर भी इन्होंने किया था। तुम रा तो हम रा क्या तो ये हमारा कैच था, हमारी जिंदगी का पहला कैच था। आप लाइव देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। कपड़े और गोड्डा बाद में देखेंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं, मैं गुरप्रीत सिंह। शारजा का ये मैदान और एक बार फिर मैदान में मैच जारी है। पहली गेंद पर छक्का लगाया है गुरमीत सिंह ने और खिलाड़ी यहां पर स्ट्राइक पर दो हैं। पहले जो खेल रहे हैं गुरमीत सिंह हैं और नॉन स्ट्राइकर अमरीक सिंह। एंड द सेकंड बॉल इज राइट नाउ। दिस इज चार हो सकते थे लेकिन चार नहीं हो पाए, सिंगल रन से बात रोक दी गई है। अब खिलाड़ी सामने हैं अमरीक सिंह। शॉर्टकट मूवी चैनल के नाम से इनका एक चैनल भी है और साथ ही गुरमीत सिंह एक छक्का लगाकर काफ़ी खुश नज़र दिख रहे हैं। देखते हैं अमरीक सिंह क्या कर पाते हैं। तीन गेंद, सात रन और आगे की प्रक्रिया के लिए गेंद फेंक रहे हैं। देखते हैं आगे क्या किया जाता है। ये लीजिए, बिल्कुल सिंगल वन एंड और दूसरे के लिए प्रयास करने की कोशिश थी लेकिन नहीं किया। बहुत बढ़िया, ठीक ठाक अच्छी पारी चला रहे हैं। और दर्शकों के बारे में बताएं तो दर्शक इतने नहीं हैं इस मैदान में क्योंकि आज संडे का दिन है तो लोग यहां पर इतने नहीं एकत्र हुए हैं इस मैच का रोमांच लेने के लिए। और यहां पर गेंद फेंकी गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से की है, खेला है, लेकिन ये सिंगल रन पर रुकी है बात। जी हाँ, स्ट्राइक पर अमरीक सिंह है। थोड़ा सा जूम कर, ये तो स्टैंड से मंगवा लीजिए। नहीं, इनके इरादे कुछ अलग है। ये गेंद एक बार फिर डिपॉजिट की है स्टैंड में। साइड से मनीष हैं, गुरमीत साइड में हो और ये बॉलिंग कर रहे हैं और इधर से है दीपक। ओ माय गॉड, क्या बात है, वाह बे वाह दीपक जी, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है। तो पहली बॉल पर ही छक्का और इधर से जिस खेत में बॉल गई है उसके इधर ओनर खड़े हैं, पीछे मालिक जी हैं इधर। इनका मानना है कि अगर बॉल खेत में दोबारा चलेगी तो बॉल ना मिलेगी। तो इधर पड़ा है ना, मैं बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली पिछले दो मैचों से ये फेल हो रहे थे बंदे, काफी प्रयास कर रहे थे लेकिन इस मैच में बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही अच्छा कहेंगे, अच्छा अच्छे वाला मैच चल रहा है। काफी मशक्कत के बाद बॉल मिली है वापस से और इधर हमारे खिलाड़ी फिर से तैनात हैं। उस तरफ नॉन स्ट्राइक पे हैं गुरप्रीत सिंह और इधर हैं दीपक। दीपक जी आपको कुछ जी जी हाँ बोल बोल और ये नेक्स्ट बॉल, ये बॉल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं भूल गया था एक्चुअली क्या बोलना था लेकिन यह मजा आ गया देखने में ही। हमारे बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं मोनू भाई, काफी दूर से आए, हमारे यहाँ पड़ोसी हैं। और फिर से अगली बॉल पर और ये क्या बात, छुट्टन भाई ने कोशिश की थी बॉल को विकेट में मारने की लेकिन हमारे दीपक भाई घोड़े की तरह भागते हैं, सॉरी घोड़ी की तरह भागते हैं। और क्या बात है, बहुत ही शानदार मैच, पहली पारी है और हम इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं लेंगे कि दूसरी पारी का आपको लाइव प्रदर्शन दिखाया जाए।
तो ये सरासर हम आपको रोने वाला का मुंह दिखाएंगे सरासर। यो वाह बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ रन रन गिनने वाला हमारा अलग से बाहर से आया इंग्लैंड से। कितने रन हो गए भाई? भाई साहब 20 रन हो गए एक बॉल 20 रन 30 चौथे ओवर की। और ये दो रन क्या बात है। बहुत ही बदकिस्मती की बात ये कि पीछे जाते ही बॉल के दो रन रखे हुए हैं। और हमारे अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग विचार हैं जी। यहाँ से कुछ आ रहा है धक धक सैनियों की मैं क्यों है क्यों है क्यों करे धक्के। पिछले दो मैचों से हमारे दो तीन खिलाड़ी भी आपको देख रहे हैं ये चल नहीं पा रहे हैं। तो इनकी वीडियो बना के हौसला बढ़ाते रहते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से रन तो बनाएं। बॉल मुझे लगता है खो चुकी है या खोने का बहाना है। ये है हमारे धोलिया भाई पुरानी खुक कहते हैं इसे। इनको करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट का अनुभव है। पिछले 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये बेस्ट हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी प्रथा है कि जो बॉल जिसके बल्ले से बाहर जाती है बॉल खो जाती है वो खुद ढूंढने आते हैं। चलो लबो लब गई बॉल। श्री राम किशन जी ने 10 रन देखो हम रन गिन रहे हैं। 22 रन हो चुके हैं होन के मैं भज जाऊंगा खिला इन रनर दे नाल। अगली बॉल मोनू भाई अपने नन्हे नन्हे कदमों से बॉल फेंकते और ये बॉल टच करती है। देखना क्या होता है और खिलाड़ी के साथ भागने का प्रयास। एक रन हो चुका है फिर से तो टोटल रन हो गए 23। मनीष भाई पिछले 26 साल से क्रिकेट का अनुभव लिए बैठे हैं मनीष भाई और इनकी वैसे एज 21 साल के हैं मात्र 21 साल के लड़के। ओ बॉल बहुत ही शानदार दो खिलाड़ियों के बीचों बीच से पैरों के बीच से बॉल निकली और ये थ्रो फेंक दिया गया है। अब पूछेंगे भाई साहब कि मैं बेमने ना खरे सही दादा चौका था कौन ही ना कौन नहीं चौका भाई तो ओ ऐसा लगा है जैसे बॉल टच हुई हो ऐसा लगा था कुछ टच हुई है बॉल टच हुई थी मिस फील्ड हुए मोनू भाई। तो इनके बारे में आपको बता रहा था पिछले 24 सालों का अनुभव लिए बैठे हैं मोनू भाई मात्र 23 साल के खिलाड़ी। वाह भाई ओ ये कैच जा सकती है खिलाड़ी के हाथ से टच हुई फिर से। ओ माय गॉड क्या बात है बहुत अच्छी फील्डिंग की है मनीष भाई ने। हमारे सहयोगी पीछे बैठे हुए हैं इनका कुछ विचार हैं तो इनके जानने खिलाड़ी दूजे होते हैं ना भाजपा ये तो ढई मरवा दे सारे ये सन आउट करवाए हैं। हम रन ये देखो दीपक के लिए इस तरह बिल्कुल ना करो भाजपा। ओ बहुत बढ़िया। तो अब मैं अपने इसको भाई साहब को छोटू को देता हूँ कैमरा और मैं करूँ कमेंट्री आप वीडियो बनाए। और ये बहुत बढ़िया बॉलिंग बहुत दूर जा चुकी है और दो रन के लिए बोल गई। 27 हो गए तीन बॉल हो चुकी है रन 27 रन हो चुके हैं मनीष भाई नन्हे नन्हे कदम और ये बॉल क्या बात है भाई दीपक भाई को बधाई देने के लिए खून के जो दौरे रुके हुए पड़े थे चालू हो गए दोबारा से यार। बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया। कोई ना मनीष घबरा मत तू और दीपक किल्ली मनीष घबरा लास्ट बॉल है लास्ट भाई साहब यहाँ पर भी नहीं मानी मत करो मोनू भाई तो अपने रन कितने बने भाई कितने रन बने 33 रन का स्कोर खड़ा किया है और
दूसरी जो टीम है वो अभी बल्लेबाजी करेगी, तो हम फील्डिंग पे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे का ये हमारा गांव है और यहाँ पर वैसे हम कभी कभार क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। तो बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें क्रिकेट खेलने का मौका फिर से मिला है। तो हम फिर से शुरुआत करते हैं, चलो बयान दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो गाइस पहला ओवर चल रहा है अभी, एक रन हुआ है और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हम लोग ये मैच जीतेंगे। मिनी बॉल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत सिंह छोटे भाई है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और इस चीज़ का हमें अभी पता चला है। क्या चाहे आउट, तो ये हमारा कैच था, हमारी जिंदगी का पहला कैच था। आप लाइव देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। कपड़े और गोड्डा बाद में देखेंगे, वहीं आ जाओ वहीं आ जाओ। तो फिर से ये छक्का, ये छक्का, ये छह रन है भाई, ये छह रन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉलर, फिर से एक आउट हो चुका है बंदा और वो भी कैच आउट हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया मैच को देख कर, मजा। रुको जरा, कैचा कैचा, आपका क्या विचार है इस केस के बारे में? एक बंदा और आउट होता हुआ और ये मैच हमारे हाथों में आता हुआ। अच्छा, हमारे हाथ में आता हुआ मैच, बाउंड्री तेज आप ने पूरा दबाव कर रखा है यहां पर दोनों की टीम पे, और ये देखने का मैच। आपका क्या विचार है इस बारे में? हमारा ये विचार है कि जैसे मैंने दो छक्के लगाए हैं, अगर ये मैच हम जीत जाएं फिर तो उसकी वसूली हो जाएगी, नहीं तो बहुत पछतावा रहेगा हमको, पूरी रात नींद तक नहीं आएगी और बहुत विचारेंगे इस पर, है ना। तो जीत हमारी ज़रूरी है क्योंकि हम रा रा अलग हुए पड़े हैं, इन्होंने वैसे किया था हमको, हम होना नहीं चाह रहे थे फिर भी इन्होंने किया था, तुम रा रा तो हम रा रा होने के बावजूद भी तीन मैच लगातार जीत चुके हैं इनसे, तो अब नेक्स्ट और जीतेंगे, प्रयास हमारा जारी है। थोड़ी फील्डिंग की साइड ध्यान रहा, चलो बाद में रहेंगे ना। यहाँ पर बहाना बनाते हुए कैसे बोल छुट्टी आपसे, बड़ा चाहिए,
बॉल आ चुकी है यहाँ पर, आप पकड़िए, बहुत बढ़िया। तो 9 बॉल बाकी हैं और करीब 24 रन चाहिए इनको जीतने के लिए। 9 बॉल बाकी हैं, 24 रन जीतने के लिए चाहिए और आपके सामने मैच है। बिल्कुल। तो करीब 7 बॉल हैं और 24 रन चाहिए इनको जीतने के लिए। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इनको जीतने के लिए और इनके जो अनुभवी खिलाड़ी हैं सारे बैठे हुए हैं। सिंगल सिंगल सिंगल, लास्ट ओवर है, 23 रन की जरूरत है इनको, 23 रन बनाने हैं और हम अंदर ही अंदर तो खुश आए। आगे कितने पैसे सर जीत, कितने पैसे सर? 70 रुपए की शर्त लगी भाई, 80-70 रे क्या थे, चौका रोक ला रहे यार। पांच बॉल 16 रन, कुछ भी हो सकता है। हालांकि चार बॉल शेष हैं, 16 रन, 3 बॉल 16 रन, क्या बात है, क्या बात है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैच हमारे हो चुका है और 80 रुपए ठंडा ड्यू नमकीन चखना चखना में चाट चाट कर खाएंगे। अब ये मैच जीत चुके हैं आप, 2 बॉल 16 रन। अब मैं कहता हूँ खिलाड़ियों को थोड़ा आगे आ जाइए, 2 बॉल शेष है। हमारे सोनू भाई खेलते हुए फिर से और ये बॉल, ओ तो 1 बॉल 6 और 16 रन भाई साहब ने हथियार फेंक दिए हैं। तो इस तरह हम लोग इस मैच को फिर से जीत चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस मैच को लेकर। तो जीत का बहुत अच्छा लग रहा है कि जीत कर अच्छा इतनी संघर्ष भरी उसमें खेल कर भी फिर भी हमने जीत हासिल की, इसमें काफी खिलाड़ियों का योगदान रहा है। हरमीत बॉलर, हाथ तो मिला लो, खिलाड़ी जा रहे हैं, हाथ तो मिला लो। एक मिनट हाँ मोनू यार, ऐसे मत कर, खिलाड़ियों के पास समय की पैसे ले गया, पैसे ले गया, अंदर भी उतने ठंडा ले ले, अच्छा उतने लान ठंडा आई थे पीवा गए, एक नु गाल दो अंदर भी दे दे, मैं के पास दिखो नहीं जा 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 ओ वीडियो बन दी बेइज्जती ना कराओ यार। कितने मैच जीते हैं? 2 जीते हैं, 160 लेने ना, तीन आप जीते थे, तीन ने एक कार के सारे 160 ले गए, ग्लास लिया भी नाल, हां बाल देख के तू जा, तू भाई जैसा कि मैंने 2 छक्के लगाए, अब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, चाहे हम 160 रुपए जीते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे हम ट्रॉफी जीत चुके हैं और भटकोल का नाम हो चुका है। सदा जी दीपक जी, ये बस मंदोपुर गांव के वालों के काबू आता है, उससे उनसे ही लूटते हैं अपने, क्या बात है, और एक बात ये बताओ, उनके आगे काबू आवे, बात बताओ इन्होंने क्या कहा कि रारा वखरे हो जाए, ये बात आई थी या नहीं? आई थी, ये बात हल्के में ले रहे थे, कोई धकेल गया तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज 3 मैच जीते हैं और मतलब खूब बढ़िया गया है, यहां के दायरे चल हो गए हैं, मतलब जो पहले जो ब्लॉक थे वो चालू हो गए फिर से, हालांकि खेल है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बंदपुर वालों के काबू आता है ये तो, चुप कर तो ये हमारा गांव है, छोटा सा गांव और यहां पर हम एक छोटा सा मैदान बनाया हुआ, एक खेत है खाली छोड़ा हुआ है और आपको पता है गांवों में खेत हमेशा वही खाली छोड़े जाते हैं जहां कोई रोड़ा रपड़ा हो, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, आप लोग समझ सकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये खेत खाली छोड़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर क्रिकेट कभी कभी खेलने आ जाते हैं, तो आज संडे था, मैं फ्री था तो मैंने सोचा चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, काफ़ी दिन बाद क्रिकेट खेले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दो साथी खिलाड़ी थे वो भी हमारे गांव के ही थे और हम भी यहीं के अपने ही ढाणी के हम लोग, तो बहुत बढ़िया लगा, हमने 4 मैच खेले, 4 में से हम 3 मैच जीते हैं, तो अपने आप में प्राउड फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद खेले हैं और बहुत मज़ा आया।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी हम ठंडे के सेलिब्रेशन करने वाले हैं। धन्यवाद।